हमारे साथ लम्स में मौजूद हैं फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट, ये मेरे भाई हैं। फाइनल ईयर कर रहे हैं, लगते नहीं है लेकिन है। तो खैर, अभी इनसे बाकी मजीद मालूमात लेते। सबसे पहले भाई ये बताओ कि यहाँ पर कितने डिपार्टमेंट्स हैं टोटल इस यूनिवर्सिटी में? बहुत सारे डिपार्टमेंट है, लाइक MBBS है, BDS है, बायोटेक है, नर्सिंग है और जेनेटिक्स है। तो इस तरह डिपार्टमेंट फार्मा भी है, फार्मेसी, DPT भी है। तो चलते हैं बाकी यूनिवर्सिटी को देखते हैं। अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, अभी कुछ चलें रिफ्रेशमेंट करें। बाकी आप लोगों को डिपार्टमेंट का थोड़ा थोड़ा व्यू मैं करवा दूंगा। हाँ जी, तो यार अभी हम BDS डिपार्टमेंट में हैं और यहाँ पर हमारे साथ हैं आमिश तारिक साहब। ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो अभी ये अपना डिपार्टमेंट दिखाते हैं लम्स में। तो साथ इनके चल के लम्स का BDS डिपार्टमेंट देखते हैं, फ्यूचर डेंटिस्ट। तो लेट्स सी। दिस इज आमिश गिल और हम आपको यहाँ पे विजिट करवा रहे हैं अबाउट द डेंटिस्ट्री ऑफ लम्स। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपको विजिट करवाए हैं, ऑर्थोडोंटिक्स डिपार्टमेंट एंड ऑपरेटिव डिपार्टमेंट। दीज ऑल ओवर ऐसा लग रहा है तुम डेंटिस्ट नहीं हो, कोई मीडिया के में लग रहे हो। ठीक है, तो ये इधर इधर क्लिनिक्स में लिखा है। अच्छा, ये क्लिनिक्स है यहाँ पे डेंटिस्ट्री के अंदर, मतलब सब ब्रांचेस काफ़ी सारी होंगी। सब ब्रांचेस जी ऑर्थोडोंटिक्स अबाउट ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री होती है, प्रोस्थोडोंटिक्स होती है। सही। चलो आगे देखते हैं। तो यार डेंटिस्ट्री देख के अब निकले, अब यहाँ से चलते हैं ऑस्पी सेंटर देखने चलते हैं। यहाँ पे इनका कोई टेस्ट वगैरह होता है, अगर कोई इस यूनिवर्सिटी का है, MBBS वाला है या BDS वाला है, उनको तो पता होगा ऑस्पी सेंटर क्या होता है। वैल मुझे भी नहीं पता क्या होता है। तो खैर चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है फिर, क्योंकि आज का सारा दिन यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी के सपोर्ट है सारा दिन। तो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। आमिश ये बता यार, क्या ये क्या मशीन है और किस काम से आती है भाई? आज तुम्हारा जो है ना वो डेंटल यूनिट, इस पूरे को हम कहते हैं डेंटल यूनिट। इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल जोर से बोलो, इस पूरे को हम कहते हैं डेंटल यूनिट। अच्छा, और इसमें जो है कुछ पार्ट्स होते हैं, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पेशेंट है इसे हम डेंटल चेयर पे यहाँ पे चेक करवाएंगे। And this is the chair we will use to sit, and then we will use the different instruments. This is the place where we will place our instruments. अच्छा, सारे dentistry के, और ये एक model बनाया हुआ है तुम लोगों को पढ़ाने के लिए। This is our patient on which we will examine our skills and the dentistry. Okay, तो बस ये सारा जो है ना वो, यानी कि main setup है dentistry के अंदर, जो हमें अक्सर जो है वो डेंटिस्ट क्लिनिक में मिलेगा। यूनिट या डेंटल सेल भी आप कह सकते हैं। सही। तो यार ये बहुत ज़बरदस्त सीन्स बने हुए इधर। यार ये कौन सा सेंटर है? ये हॉस्पिस सेंटर है। ओके जी। हाँ जी, तो यार अभी हॉस्पिस सेंटर का बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है इधर। बेसिकली इनके जो हैं वो एग्ज़ाम्स वगैरह कंडक्ट होते हैं इस हॉस्पिस सेंटर में। तो यहाँ पर BDS वालों के भी होते हैं और MBBS वालों के भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं। ये छोटा सा हॉल है इनका। बस यार यही सीन है यहाँ के। ज़्यादा आगे यहाँ किसी हॉल के अंदर हम मज़ीद नहीं जा रहे, बिकॉज यू नो काफ़ी जगहों पे ऐसे हैं कि एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो अभी आगे चलते हैं, मेन डिपार्टमेंट देखने हैं MBBS का, ये दिखाता हूँ मैं आपको। तो चलो यार, ये पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है और ये इंस्टीट्यूट जो है 1881 में बना था, लाइक बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है। तो अगर आपको बिल्डिंग्स नज़र आए, जी ये तो हमारे अब्बा जी के ज़माने की बिल्डिंग्स हैं, तो भाई ये यूनिवर्सिटी भी इतनी पुरानी है। लेकिन
जो अच्छी बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत अच्छी है, पाकिस्तान में आएगा टॉप 10 में आती है यूनिवर्सिटी, और इसकी डिग्री की वाकई वैल्यू है। मोस्टली जो लोग हैं जो कि हमारे सिंध प्रोविंस के लोग हैं, उनका ड्रीम होता है लम्स में आके पढ़ना, लम्स में एडमिशन लेना, MBBS पढ़ना है, BDS पढ़ना। उसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो ये काफ़ी इसकी जो है ना यहाँ पे वर्थ है इस यूनिवर्सिटी की। अभी हम जा रहे हैं जी MBBS डिपार्टमेंट की तरफ, और MBBS तो जी सबका ख्वाब होता है ना यार। तो चलते चलते हम जा रहे थे, रास्ते में ये कम्युनिटी मेडिसिन का डिपार्टमेंट आया यहाँ पर, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर यूजली थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर की क्लासेस होती हैं। तो कम्युनिटी मेडिसिन एक इनका बाकायदा सब्जेक्ट है और उसके ऊपर काफ़ी क्लासेस होती हैं। हाँ जी बताओ भाई, फोर्थ ईयर कर चुके हैं, फोर्थ ईयर की क्लासेस होती हैं और लम्स का अपना एक एफएम भी है, आओ दिखाता हूँ। चलो यार, लम्स का अपना एफएम है 96.6, और इसके पास सारी मेरे ख्याल लम्स की न्यूज़ आती होगी। नहीं, इसमें कम्युनिटी से रिलेटेड डिजीज़ के बारे में बताया जाता है। अच्छा, इसके अलावा बताओ कम्युनिटी मेडिसिन का क्या रोल होता है? कम्युनिटी मेडिसिन वो ब्रांच है जो बताती है कौन सी डिजीज़ किस वजह से कम्युनिटी के अंदर आती है ना, उसकी किस तरह हम प्रिवेंशन कर सकते हैं ताकि वो डिजीज़ कम्युनिटी में ना हो, इस बारे में मतलब ये अवेयरनेस वाली ब्रांच है। क्या यार, ये फ़ायदा होता है जब आप किसी एक एक्सपर्ट के साथ साथ में आप आते हो ना, तो आपको बड़ी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। खैर, ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है, मेरे व्लॉग्स इंटरटेनमेंट के साथ इन्फॉर्मेशन भी होती है। तो अभी चलते हैं यार। लम्स आए और लम्स का हॉस्पिटल नहीं देखा, ऐसे कैसे हो सकता है? सरकारी हॉस्पिटल नहीं देखा आप लोगों ने? तो ये रहा हॉस्पिटल, ये मेरे पीछे काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, लाइक काफ़ी सारे इसमें भी जो है ना वो फील्ड्स हैं। आई डोंट नो डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं, क्या सीन है वो मुझे इतना नहीं पता। अभी ये बिल्कुल हॉस्पिटल के साथ MBBS डिपार्टमेंट है, लेट्स गो। स्पेसिफिकली MBBS डिपार्टमेंट का ये इंटरनल क्या, ये पीछे कैंटीन्स हैं ये साइड पे, और पार्क है इनका, बस ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा आवाम नहीं है इधर पार्क में, सुकून है। और मोस्टली लोग जो हैं यहाँ पर यहाँ पढ़ रहे हैं या इंजॉय कर रहे हैं, ज़ाहिर है स्ट्रेसफुल होता है काफ़ी मेडिसिन की पढ़ाई। ये सामने क्या है, लेक्चर हॉल है बायोकेमिस्ट्री का, आपको ज़रा सा मैं दीदार करवा दूँ लेक्चर हॉल से। उफ़ हैवी सीन्स। तो यार ये देखो, तभी आप लोग आओगे तो जितने हमारे जितने फ्यूचर डॉक्टर्स हैं उन सबको दिखा रहा हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग भी आओगे तो ये बायोकेमिस्ट्री का हॉल है। इसके अलावा बाकी हॉल्स भी ऐसे ही होंगे ऑलमोस्ट, और चिल सीन है, एसी वैसी चल रहा है, ये सुकून है इधर। यार अगर आप लोगों ने थ्री इडियट्स देखी हो तो आप लोगों को थ्री इडियट्स के सीन याद आ जाएंगे। ये नीचे से ऊपर तक जो क्लासेस हैं ना, तो बड़े मज़े की हैं। खैर,
लेक्चर रूम खाली था तो हमने व्लॉग बना लिया। क्लासेस हो रही होंगी तो हम क्या करेंगे। ये इनका प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है बेसिकली, तो अभी आपको इनका लेक्चर हॉल दिखाता हूँ। ये इनका लेक्चर हॉल है और जो भी है यार लेक्चर हॉल्स इनके काफ़ी ज़बरदस्त है। जो यहाँ से आया और सोशल इंजीनियरिंग का इनके पास टिप पे आकर रुक गया तो हम उसको कहते हैं कि दिस इज़ द फनी। अभी चलता हूँ आपको इनके सेंट्रल लाइब्रेरी दिखाता हूँ, उसके बाद जी कैफेडो चलते हैं इनके। ये मेरे सामने इनकी सेंट्रल लाइब्रेरी है।